दार्जिलिंग के धर्मपुरी नगर में चल रहे मलजल योजना सीवरेज कार्य में लापरवाही के कारण आए दिन बड़े लोडिंग वाहन फंस रहे हैं। सीवरेज कार्य के लिए खोदी गई जमीन के कार्य पूर्ण होने के बाद दबाई न करते हुए मिट्टी डाल दी गई, जिसके कारण खलघाट मनावर मार्ग पर आए दिन बड़े वाहन धंस जाते हैं और ठेकेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आज सुबह के वक्त बाईपास चौराहे के समीप लिक्विड भरा टैंकर रोड के साइड में फंस गया, जिससे पूरा दिन आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन के तरफ से पूरी तरह से धस चुका था, जिसे निकालने में जेसीबी पोकलेन मशीन भी असमर्थ रही और लगातार पूरा दिन वाहन को निकालने का प्रयास जारी रहा। लंबी मशक्कत के बाद शाम को करीब 6 बजे 2 क्रेन मशीन, 1 पोकलेन मशीन और 1 जेसीबी मशीन को बुलवाया गया और बिना अनुमति के स्टेट हाईवे खलघाट मनावर को बंद किया गया। दोनों ओर 1-1 किलोमीटर से अधिक वाहन जाम में घंटों फंसे रहे, जिससे लोगों को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबी मशक्कत के बाद ट्रेलर को निकाला गया और ऐसे ही आज फिर बड़ा हादसा होते हुए टला। अब देखना ये होगा कि स्थानीय अधिकारी ठेकेदार के किए हुए कार्य में सुधार करवाते हैं या यूं ही आए दिन जनता और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनता रहेगा। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।